ओके, वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए फ्रेश अपडेट के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके टेलीग्राम ट्विटर मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आपके मन में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी भी तरह का क्वेश्चन चल रहा हो, सवाल चल रहा हो, तो मेक श्योर हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन का मिल जाएगा और वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं और मेरी जो भी कम्युनिटी है आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर जो है काफी तगड़ी यहां पर अपडेट आ रही है कि इस साल 2022 के अंदर दोस्तों 12,000 से भी ज्यादा नए प्रोजेक्ट यहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 12,000 से ज्यादा, खुद सोच सकते हो अभी सिर्फ 9वां महीना है, कितना ज्यादा हाइप बना, कितना ज्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आए। और इसके अंदर भी 12,000 जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मीम कैटेगरी के अंदर आया गया है। जी हाँ दोस्तों, और कितने तो आके चला भी गया होगा मे बी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट ऐसे है जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं और कुछ है भी तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ही चुनिंदा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफी अच्छा हाइप बना रहे हैं और यहाँ पर से जो है काफी अच्छा खासा कोशिश कर रहे हैं, इस बियर मार्केट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल के थ्रू भी आप सभी से शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा जान के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि भाई 2022 के अंदर 12,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट आए। और पिछले आई थिंक आप देखते हो तो कई साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बट 2022 एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा साल है सबसे ज्यादा आज तक हिस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो हिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा प्रोजेक्ट जो है कभी नहीं आए हैं। और अभी तो सिर्फ 9वां महीना है, यानी कि दोस्तों अभी भैया पूरा महीना भी नहीं खत्म हुआ है, पूरा साल भी नहीं खत्म हुआ है और अभी तो भाई मुझे लगता है 15,000 ठिका ही देगा भाई इस साल के एंड में और एक नया रिकॉर्ड बना ही देगा। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग न्यूज है। जहाँ दोस्तों ये आ रही है वीटा इनू की तरफ से, वीटा इनू की यहाँ पर जो है बिटगर्ड की लिस्टिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है 9 अक्टूबर, यानी कल के डेट में यहाँ पर लिस्टिंग होगी। तो मेक श्योर, हो सकता है मार्केट का कंडीशन अगर अच्छा रहा तो स्पाइक देखने को मिले और स्पाइक अगर मिले तो भाई प्रॉफिट बुक करते जाना। इसलिए मैं हमेशा आप सभी को लिस्टिंग के न्यूज इसलिए देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है इस एक्सचेंज पे यहाँ पर लिस्ट होगा। और जब भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, नए एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, अच्छा खासा उसके अंदर पंप मिलता ही है और अच्छा खासा लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ और ये स्ट्रेटेजी को खुद भी अपनाता हूँ, तो मेक श्योर कि आप भी ये चीज करना। और अगर पंप मिले अच्छा खासा हो, 10-20-30-40% 50% इवन, तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि फिर मार्केट कंडीशन बियर है, फिर उसको नीचे आना है। रीबैक भी, रीबाय भी आप कर सकते हैं, यानी एक ही इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्वाइन आपका बाय हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल के ही डेट में जीवीआर यानी ग्रेव टोकन की भी लिस्टिंग है, वो भी ग्लोबल जैसे एक्सचेंज के ऊपर, तो मेक श्योर इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। लगभग 15 से 16 का सीरीज चल रहा है, अगर इस बीच में मिले तो एकुमुलेट कर लेना। मुझे जैसा लग रहा है कि 20 से 22 के अराउंड ये जा सकता है कम से कम, तो जरूर प्रॉफिट भी बुक कर लेना ताकि फिर आप जब ये नीचे आए, लगभग 10-11 के रेंज में चल रहा था, अगर उस बीच में भी आए तो फिर उन्हीं अमाउंट का जो है आप दोबारा से बाय करके अपना क्वांटिटी जो है ना वो टोकन का वो आप बढ़ा सकते हो, ताकि आने वाले समय के अंदर जब बुल मार्केट आए, जब ये अच्छा प्रॉफिट दे, तो आप जो है और भी मेगा प्रॉफिट यार से बुक करके निकल सको। और यही स्ट्रेटेजी होता है और लोग जो ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और हम खुद भी जो है दोस्तों यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। दोस्तों फाइनल लास्ट मेगा अपडेट शिवायनो की बात करते हैं, और मैं ये स्ट्रेटेजी ना शिवायनो के अंदर बार बार अपनाया हूँ। जहाँ दोस्तों लगभग 1200-1300 के रेंज में शिवायनो बार बार घूमता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, और मैं वही बीच के अंदर स्पॉट के अंदर बाय करता हूँ, देन थोड़ा सा सेल करता हूँ, फिर वेट करता हूँ, फिर बाय करता हूँ, 09 के पास भी चला जाता है, उससे नीचे भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरा शिवायनो का क्वांटिटी में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज हो भी रहा है। और इसी के साथ साथ शिवा का ही अपडेट फाइनल लास्ट और मेगा अपडेट है, थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज शिवा के एक बड़े व्हील्स ने, जहाँ दोस्तों बड़े व्हील्स ने 1.27 ट्रिलियन शिवायनो को यहाँ पर विड्रॉल किया है, वो भी ग्लोबल एक्सचेंज से, और ये थोड़ा सा जो है कंसर्निंग है। और थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि शिवा के अंदर जो थोड़ा सा एक डंप भी, ज्यादा खास बड़ा डंप तो नहीं, लेकिन एक डंप आपको जरूर देखने को मिला है, और उसका रीजन जो है ना यही है
क्योंकि भाई एक बड़ा अमाउंट होता है 1.27 ट्रिलियन टोकन अपने आप में विड्रॉल होना, तो भाई ये तो थोड़ा सा कंसर्निंग है, कहाँ गया क्या गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आगे तो दोस्तों मैं अपने चैनल के थ्रू या अपने टेलीग्राम के थ्रू शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये चार इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट थे, आशा करता हूँ कि वीडियो और ये अपडेट्स आप सभी को काफी ज्यादा पसंद और हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर पसंद आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल मस्त जोड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।